हे hey एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल सो डूइंगेल जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिफरेंस पॉइंट टू पॉइंट स्टेप वाइज स्टेप हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आ रहे हैं और आज की इस वीडियो में भी हम हर एक पॉइंट को क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट जो है वो है आज का रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन मैनेजमेंट प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसेस में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रोल क्या होता है वो आज हम यहां पर समझने वाले हैं और किस तरीके से ये फंक्शन करता है ये भी हम समझेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि तो इसके बेस पर एमसी क्यूज डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ दिए जाते हैं ठीक है और यहाँ पर अकाउंटेंट का क्या रोल है यानी कि कॉस्ट अकाउंटेंट का क्या रोल है वो भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं तो चलिए देखते हैं पहला जो पॉइंट है वो क्या कहता है ऑर्गेनाइजेशन हैजिशियंट एंड इफेक्टिव वेरी गुड बहुत ही अच्छा पॉइंट है यहाँ पर यहाँ पर एक मार्क्स का एमसीक्यूज तो बन ही गया कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दोनों ही होनी चाहिए क्या इफिसियंट भी होनी चाहिए और इफेक्टिव भी होना चाहिए अब बात आती है कि ये इफेक्टिव कब होगा और इफिशियंट कब होगा तो दूसरा पॉइंट यहाँ मैं हुआ है क्या ऑर्गेनाइजेशन इज इफेक्टिव इफेक्टिव कब होगी वैन द्लैंड ऑब्जेक्टिव इज अचीव जब आपने कोई प्लान जो है आपने क्या किया था आपने एक प्लान बनाया था आपका एक ऑब्जेक्टिव था कि मुझे 2021 में 500 करोड़ का बिजनेस करना है एंड आपने वो अचीव कर लिया ओके okay गाइस तो यानी कि आपने क्या किया वो जो प्लान ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर लिया इट मींस आपका प्लान क्या हो रहा है वो इफेक्टिव हो रहा है ओके नेक्स्ट देखिए हाउ एवर दम इज इफिशेंट अब इफिशेंट कब कहलाएगी Only when the objective is achieved with minimum cost and resources, minimum cost and resources का use करके अगर आपने plan को achieve कर लिया है it means क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज्यादा efficient है अब in terms of money में भी होना चाहिए वो और physical भी होना चाहिए फिजिकल कैसे असेट्स की बात कर ले हम आपके जो रिसोर्सेज होते हैं मोस्टली फिजिकली होते हैं ठीक है इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए तो यहां पर आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि इफिशियंट और इफेक्टिव कब होती है एक ऑर्गेनाइजेशन चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट द रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज सिग्निफिकेंट इन मेकिंग द बोथ इफिशियंट एंड इफेक्टिव ठीक है जी रोल क्या हो गया यहां पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सबसे पहला कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर दो भाई इफिशियंट और इफेक्टिव कर दो ठीक है नेक्स्ट देखे मैनेजमेंट अकाउंटिंग हैज ब्रॉट आउट क्लियर शिफ्ट इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ़ अकाउंटिंग फ्रॉम मेयर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन द इम्फेसाइज इज ऑन एनालाइजिंग द इंटरप्रिटिंग टू हेल्प द मैनेजमेंट टू सिक्योर बैटर रिजल्ट अब देखो यार क्या होता है कि अगर आपने ऑब्जेक्टिव जो हैं वो क्या कर, Clarify कर, कर लिए क्लैरिफाई कर लिए अचीव कर लिए हैं ठीक देखा जाए तो अकाउंटिंग में क्या होता है कि हम रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजेक्शन की और वो भी ट्रांजेक्शन कौन सी होती है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है इन टर्म्स ऑफ मनी होती है ठीक और यहां पर उन सबको क्या करना होता है मैनेजमेंट के सामने रिप्रेजेंट करना होता है कि देखो जी यहाँ पर जो है ये ये वर्क किया गया है ठीक है एक रिपोर्ट दे दी जाती है उसके बेस पर मैनेजमेंट का मैनेजमेंट कैसे काम करेगी मैनेजमेंट डिसीजन लेगी प्लानिंग करेगी स्ट्रेटजीज बनाएगी ठीक है उन सबको यहां पर देखा जाता है यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के लिए ओके okay. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको ले जाएगा कहा इलेवेंथ और ट्वेल्थ क्लास में जी हाँ बिल्कुल सही वट आर ऑफ मैनेजमेंट ठीक है ये क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा ऑब्वियसली पढ़ा ही होगा हर किसी इलेवेंथ क्लास और ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट्स ने पढ़ा है यहाँ पर ठीक है मैंने भी पढ़ा है जी हाँ क्या होते हैं फंक्शन मैनेजमेंट के क्या काम होते हैं जी मैनेजमेंट का मैनेजमेंट का काम होता है कि देखो भाई क्या कर लो प्लानिंग कर लो और प्लानिंग कैसी होनी चाहिए बहुत ही बढ़िया तरीके से होनी चाहिए जिससे कि हमारे गोल्स जो हैं वो अचीव हो जाए ऑर्गेनाइजिंग कर लो ठीक जो भी आपने प्लान किया है उसके लिए क्या क्या चाहिए हमें ठीक है वो देख लो कंट्रोल कर लो कंट्रोलिंग भी होना चाहिए सब ऑर्डिनेट्स हो या सुपरवाइजर हो टॉप लेवल मिडिल लेवल लोअर लेवल सब पे कंट्रोल होना चाहिए डिसीजन मेकिंग इन सबके बेस पर डिसीजन मेकिंग और फिर स्टाफिंग करो ठीक है रिक्रूट करो तो मैं यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को बस ऐसे ही बताने वाला हूँ ओवरव्यू एक तरीके से ठीक है और ये बेसिकली आप अगर बुक से पढ़ना चाहें तो ज्यादा बेटर रहेगा वहां से पढ़ लेंगे आप अदरवाइज ये आप लोगों को एक बार ही पढ़ना है आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्योंकि ये हम जो है इलेवेंथ और ट्वेल्थ से पढ़ते आ रहे हैं तो ज्यादा इसमें कुछ समझाने के लिए है नहीं इसलिए मैंने इसको पॉइंट्स में ही क्लियर कर दिया है डेट सेट नेक्स्ट देखें जरा नेक्स्ट जो है ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई क्या है अभी तक हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रोल क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट प्रोसेस में अब हम पढ़ने वाले हैं इसके क्या क्या काम है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग के काम क्या है काम क्या है ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन पॉइंट्स हैं यहाँ पर ये इनके काम हैं इन सेवन पॉइंट्स को सेपरेटली मैं समझाने वाला हूँ चलिए स्टार्ट करते हैं पहला जो फंक्शन है वो है स्टोर हाउस ऑफ रियलाइबल डाटा कई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये क्या स्टॉक जो है ना अगर आपके पास वेयर हाउस है तो स्टॉक का क्या होना चाहिए रिलायबल डाटा होना चाहिए ऐसा नहीं कुछ भी दिखा दिया हाँ जी स्टॉक कल इतना था आज इतना हो गया ठीक है तो क्या होना चाहिए तो क्या होता है कि डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं तो वेरी नहीं होना चाहिए जो डाटा है रियल रिलायबल होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट देखिए मोडिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा ठीक है मॉडिफिकेशन भी दिखाएंगे प्रेजेंटेशन भी दिखाएंगे डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन होता है ओके चलिए फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन चलो भाई फाइनेंशियल एनालिसिस भी करेंगे और इंटरप्रिटेशन भी करेंगे उसका कम्युनिकेट भी करेंगे एंड कोऑर्डिनेट भी करेंगे कंट्रोल भी होना चाहिए सप्लाइंग इन्फॉर्मेशन टू वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट चलो जी जो भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हुई है वो वेरियस लेवल तक पहुंचाओ टॉप लेवल तक पहुंचाओ मिडिल तक पहुंचाओ लोअर लेवल तक पहुंचाओ जिसका जो काम है वो क्या करो डेलीगेट करो ना जाकर ठीक है फिर लास्टली जो पॉइंट आता है उसको जाकर रिपोर्ट करो रिपोर्ट दिखाओ मैनेजमेंट की फाइनली जो आई है ये रिपोर्ट आई है अब आप क्या लो अब आपका काम है क्या डिसीजन लो ठीक चलिए पढ़ते हैं आगे सबसे पहला पॉइंट विच इज स्टोर हाउस ऑफ रिलायबल डाटा ओके क्या कहता है समझते हैं मैनेजमेंट वॉन्स रियलाइबल डाटा फॉर प्लानिंग मैनेजमेंट क्या चाहता है कि भाई देखो कोई एरर्स ना हो कोई गलतियां ना हो रियलायबल डाटा दे दो जिससे कि हम प्लान कर सके फोरकास्ट कर सके फ्यूचर में देख सकें कि हमारा फ्यूचर कहाँ जा रहा है ठीक है फोरकास्टिंग फ्यूचर में झांक कर देखना आगे कुछ हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते या शट डाउन करके जाना पड़ेगा एंड डिसीजन मेकिंग ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई डिसीजन लेना ठीक है चलो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कलेक्ट द डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस वेरियस सोर्स से क्या करेगी डाटा जो है वो कलेक्ट कर लेगी वेदर क्या हो आपका इंटरनल सोर्सेज हो या फिर एक्सटर्नल सोर्सेज हो एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर अप्रोप्रिएट यूज के लिए स्टोर कर लेगी एज एंड वैन नीडेड और जब जरूरत होगी तब so तो मेन सोर्स ऑफ डाटा इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो भाई देख लो यहां पर मेन जो है सोर्स क्या है यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही क्या करोगे आप सारी इंफॉर्मेशन लोगे और मैनेजमेंट के सामने रख दोगे ठीक आपको क्या मिलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलेगी ट्रेडिंग अकाउंट मिलेगा पेनल मिलेगा बैलेंस शीट मिलेगी देखो ये है कोई गलतियाँ नहीं है और हमने ये ऑडिट कर लिया है अब जाकर आप मैनेजमेंट को दिखा सकते हो चलो आगे बढ़ते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू यूज़ ऑफ मॉनेटरी डाटा ओनली कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ठीक है बेफिक्र काम अच्छा होना चाहिए बस वाइल प्रिपेयरिंग अ सेल्स बजट जैसे कि आप सेल्स बजट प्रिपेयर करते हो मैनेजमेंट अकाउंटेंट यूजेज द पास डाटा को लेकर काम करेगा ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड कितनी हुई हैं फ्रॉम फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से एंड मेक्स प्रोजेक्शन बेस्ड ऑन कंज्यूमर सर्वे कंज्यूमर सर्वे भी हो सकता है ध्यान रखना कहीं डाटा आपने गलत तो नहीं दिया फिगर्स एंड अदर रिलायबल टू दी सेल्स बजट जो भी रिक्वायरमेंट होगी ना सेल्स बजट को बनाने के लिए वो सारी रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन को फुलफिल करनी होगी ठीक है तभी वो क्या करेगा रिपोर्ट जो है सही तैयार करके देगा आपको ओके चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूजेज क्या करती है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को यूज करती है अनलाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर प्रिपेयरिंग इट्स रिपोर्ट कलेक्टिंग एंड मॉडिफाइंग द डाटा फॉर स्पेसिफिक पर्पस ठीक है गाइज सो so, अच्छे से क्लियर हो गया होगा जो भी डाउट्स हो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक जरूर करो भाई चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर टू पर मॉडिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कुछ चेंजेस करते हैं डाटा में प्रेजेंट करते हैं डाटा को ठीक है डाटा कलेक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर सोर्सेस इज नॉट रेडली अंडरस्टैंडेबल टू मैनेजमेंट जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से या कोई अदर सोर्स को लेकर वो भी रेडी नहीं है कि मैनेजमेंट उसको समझ पाए अच्छा कुछ कमी रह गई है क्या कमी रह गई है देखो जरा डाटा इज मॉडिफाइड डाटा क्या होगा अगर कुछ कमी रह गई है तो डाटा को क्या करो मॉडिफाइड करो कमी को पूरा करो एंड प्रेजेंटेड टू द मैनेजमेंट इन सच अ वे दैट इज इट इज यूजफुल टू द मैनेजमेंट और इस तरीके से रिप्रेजेंट करो जिससे कि आपको क्या हो मैनेजमेंट को क्या हो यूजफुल साबित हो सिंपल सा आपका ना सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए एग्जाम ठीक है आपका एग्जाम अगर आपने प्रेजेंटेशन बहुत ही रिलायबल की है बहुत ही अच्छे से लिखा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इफेक्ट हो सकता है ठीक है चले आगे बढ़े बस इतना ही काफी है इफ सेल्स डाटा इज रिक्वायर्ड अगर मैनेजमेंट ने कहा कि मुझे सेल्स डाटा चाहिए भाई सेल्स डाटा लेकर आओ इट कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट जोग्राफिकल एरिया सीजन वाइज टाइप ऑफ कस्टमर एंड टाइम टेकन बाय देम फॉर मेकिंग पेमेंट्स ठीक है ये सारी जो है इंफॉर्मेशन आपको सेल के रिगार्डिंग में प्रेजेंट करनी होगी मैनेजमेंट को ओके नेक्स्ट देखिए सिमिलरली इसी तरीके से प्रोडक्शन को लेकर भी है दिस कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट क्वालिटी एंड टाइम टेकन फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भाई देखो इसकी क्वालिटी क्या है या फिर कितना टाइम ले रही है ये मैन्युफैक्चर होने में ये सब रिप्रेजेंट करोगे इसको मैनेजमेंट को मैनेजमेंट अकाउंटेंट मॉडिफाइज द डाटा कौन करेगा मैनेजमेंट अकाउंटेंट करेगा इन डाटा को मॉडिफाइड ठीक है कुछ भी चेंजेस करने हैं तो कौन करेगा मैनेजमेंट अकाउंटेंट अकॉर्डिंग टू दी किसके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द मैनेजमेंट फॉर ईच स्पेसिफिक इशूज टू बी रिजॉल्व कुछ भी स्पेसिफिक इशूज होते हैं तो उनको रिजॉल्व करेगा कौन मैनेजमेंट अकाउंटेंट तो यहां पर आप लोगों के एम सी क्यूज भी बनते हुए आ रहे हैं तो जो, जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग नोटबुक में नोट डाउन करते जाओ और यहाँ से आप लोग नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से क्योंकि सारे जो कॉन्सेप्ट हैं मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पर नोट डाउन किए हुए हैं चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर थ्री की तरफ कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन देखो जी मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि जो भी आप क्या करोगे डाटा को एनालाइज करके समराइज करके या क्लासीफाइंग करके उसको जो भी बनाना है बनाकर कम्युनिकेट कर दो आपस में ठीक है इंटरनली या फिर एक्सटर्नली कम्युनिकेट तो करना ज़रूरी है कि भाई देखो क्या क्या चेंजेस आए हैं कम्युनिकेट मीन्स मीटिंग करो वहाँ पर कि भाई ये ये डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर ये ये चेंजेस लाने हैं ठीक है चलो देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर कम्युनिकेट करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं टारगेट्स आर कम्युनिकेटेड देखो जो भी टारगेट्स होंगे ना वो सबको पता होना चाहिए कम्युनिकेटेड टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फॉर देयर अचीवमेंट कि देखो भाई सेल्स डिपार्टमेंट आपका ये काम है आप क्या करो आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए क्या करेंगे ये काम करेंगे ठीक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है देखो जी आपका टारगेट है ये अब क्या करोगे इसको अचीव करना है कैसे करोगे वी डोंट नो आप जाओ और करो ठीक है है तो ये कम्युनिकेशन होती है इनके बीच में टारगेट को अचीव करने के लिए ठीक नेक्स्ट देखिए कोऑर्डिनेशन एमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अगर देखो अगर यहां पर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा किसी भी डिपार्टमेंट में सब हां जी मैं उसके पास क्यों जाऊं या मैं उसके पास क्यों जाऊं तो डिस्प्यूट्स क्रिएट होंगे कॉन्फ्लिक्ट होंगे एक दूसरे में तो क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कर पाएगी बिल्कुल नहीं ठीक है तो क्या होना चाहिए Con uh, जो है वो बहुत ही अच्छे से रहना चाहिए और ये बहुत ही एसेंशियल है फॉर सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही आवश्यक है चलो आगे बढ़ो द टारगेट्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर कम्युनिकेटेड टू कंसर्न डिपार्टमेंट्स टू इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ वेरियस सेक्शंस देयर बाय इंक्रीजिंग द प्रॉफिटबलिटी ऑफ द फर्म देखो जो भी टारगेट अचीव करना है तो हर एक डिपार्टमेंट जो है कम्युनिकेट करेगी एक दूसरे एक से कंसर्न करेगी ठीक है इफिशियंसी को इंक्रीज करने के लिए बोलेगी कि देखो यार तुम इतनी थोड़ी सी कमी कर रहे हो थोड़ा सा अपने आप को इफेक्टिव बनाओ इफिशियंटली काम करो ठीक है जिससे कि इंक्रीज हो प्रोफिटिबिलिटी में ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं अब क्या होता है कुछ वेरिएशंस क्रिएट हो जाते हैं ठीक वेरिएशन क्रिएट हो जाते हैं अब इन वेरिएशंस को एनालिसिस करके हमें ठीक करना होगा तो यहां पर वेरिएंस एनालिसिस वेरिएंस तो यहां पर वेरिएंस एनालिसिस इज एन इंपॉर्टेंट टूल ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है टू ब्रिंग द नेसेसरी मैटर्स टू The attention of the concern to exercise control and achieve the desired result. देखो कुछ भी वेरियंस आ गया ठीक है वेरियंस क्लिक कर रहा होगा माइंड में कहीं ना कहीं कि मटेरियल वेरियंस भी क्रिएट हो सकता है लेबर वेरियंस भी क्रिएट हो सकता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी क्रिएट हो सकते हैं ठीक तो उसी वेरियंस को अब क्या करना है तुम्हें रिपोर्ट करना है और उस पर काम करना है उसको कंट्रोल करना है जिससे कि हमारा डिजायर गोल जो है वो अचीव हो सके ओके okay? जब तक ये एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं होगा तब तक हमारी कमियों का पता कैसे लगेगा चलिए तो देखिए यहां पर जो नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर फोर क्या कहता है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन क्या करना है आपको फाइनेंशियली एनालिसिस करना है फिर उसको इंटरप्रिटेट करना है पहला पॉइंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स इन स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग तो ये इसकी प्रायोरिटी है कि क्या करेगी वो स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेने में हेल्प करेगी ठीक टॉप मैनेजरल एग्जीक्यूटिव में लैक टेक्निकल नॉलेज क्या होता है कि टॉप मैनेजमेंट को टेक्निकल नॉलेज जो है वो कम हो शायद ठीक ऐसा क्यों कहा गया है क्योंकि देखो मेन पर्पस क्या होता है मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है टॉप लेवल का कि स्ट्रेटजी तैयार करना प्लानिंग करना ठीक है फर्स्ट प्रायोरिटी होती है इनकी फर्स्ट फंक्शन होता है चलो फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर देर आर वेरियस अल्टर टू प्रोड्यूस बहुत ही सारे अल्टरनेटिव हैं हमारे पास देर इज ऑलवेज अ चॉइस चॉइस तो एक होती है कि सेल्स मिक्स किस तरीके से किया जाए अगर अल्टरनेटिव हैं आप लोगों के पास तो आप कोई एक ही सेलेक्ट करोगे ना आपके पास चॉइसिस बढ़ जाते हैं फिर कि हम किसको सेलेक्ट करें किसको चूज करें ठीक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स अकाउंटेंट गिव्स क्या होता है कि देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है मैनेजर्स के लिए क्या करेगा कि अकाउंटेंट गिव्स फैक्ट्स एंड फिगर्स अकाउंटेंट जो है फैक्ट्स देगा और फिगर्स देगा अबाउट वेरियस पॉलिसीज के बारे में एंड इवेलुएट्स दैम इन मॉनिटरी टर्म और उनको मॉनिटरी टर्म में इवेल्युट करेगा समझाएगा बिठाकर अच्छे से कि देखो जी मैनेजमेंट साहब हाँ ये ये कमियां हैं इन इनको पूरी करनी है अगर आप ऐसे खर्चा करते हैं तो ऐसा हो जाएगा और ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा ठीक है इंटरप्रेट्स द डाटा एंड गिव्स हिज ओपिनियन ठीक है अपने डाटा को इंटरप्रेट करेगा बताएगा और अपना ओपिनियन देगा अबाउट वेरियस अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन की क्या काम करने चाहिए तो डेट इट बिकम्स ईजियर टू मैनेजमेंट जिससे कि ये क्या हो जाता है मैनेजमेंट के लिए बहुत ही आसान हो जाता है डिसीजन लेना ठीक है गाई? ऑबियसली तो ये सारी बातें जो हैं एक अकाउंटेंट कंसल्ट करेगा मैनेजमेंट को कि देखो आप लोग जो है यहां कमी कर रहे हो ठीक है ऑडिट एक वर्क होता है ठीक है ऑडिट वर्क होता है तो यहां पर जो ऑडिट होता है उसमें आप कंसल्ट करते हो ऑर्गेनाइजेशन को एक एक रिपोर्ट तैयार होती है जो कि मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करनी होती है ओके सेम वैसे ही ये भी पॉइंट सेम उसी तरीके से यहां भी होता है चलिए आगे देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है पॉइंट नंबर फिफ्थ विच इज कंट्रोल मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये कंट्रोल करना और कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए तो मैं बोल दूं इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा ठीक है चलिए जी पहला पॉइंट इट इज एब्सोल्यूटली एसेंशियल डेट देयर शुड बी सिस्टम ऑफ मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस ऑफ ऑल डिविजन एंड डिपार्टमेंट्स सो डैट डेविशन फ्रॉम द डिजायर्ड पाथ आर ब्रॉड टू लाइट विदाउट डिले एंड आर करेक्टेड दैन एंड देयर यानी कि कहने का मतलब ये है अग आपको क्या करना है मॉनिटरिंग करनी है डिविजन्स करने हैं डिपार्टमेंट्स के जिससे कि क्या हो आप अपने डिजायर्ड पाथ को अचीव करो बहुत ही लाइटली ठीक है लाइटली मतलब बहुत ही हल्के से आपको ज़्यादा ना तो आपके ऊपर ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना हो कोई डीले ना हो और बहुत ही स्मूथली आप हर एक चीज को अचीव करते जाओ ठीक दिस प्रोसेस इज टर्म बेस कंट्रोल इसको कंट्रोल कहा जाता है जब आप किसी चीज पर कंट्रोल रखते हो ना तो वो सारे काम क्या होते हैं आसान हो जाते हैं ठीक है अभी आपका मोटापा बढ़ा हुआ है तो खाने पर कंट्रोल करोगे तो आप डेफिनेटली शेप में आ जाओगे ठीक है फिट रहोगे चलिए द एम ऑफ दिस फंक्शन कंट्रोल इज टू फैसिलिटेट अकम्पलिसमेंट ऑफ द गोल्स इन एन एफिशियंट मैनर जो कंट्रोल है वो बताता है कि आपको जो अपना काम है अपना गोल है बहुत ही इफिशियंट मैनर में करना है ठीक है अचीव करना है तो इफिशियंट मैनर में काम करना होगा चोरी नहीं करनी काम से नेक्स्ट देखिए फॉर द डिस्चार्ज ऑफ दिस इंपॉर्टेंट फंक्शन मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा इन सिस्टमैटिक एंड इफेक्टिव मैनर में रोल ऑफ अकाउंटेंट इज मिसअंडरस्टूड अंडरस्टूड मैनी कंसीडर देखो क्या होता है कि कहीं कहीं ना मैनेजमेंट को क्या लगता है कि ये जो वर्क है ये जो फंक्शन है कंट्रोलिंग का कुछ मिसअंडरस्टूड क्रिएट कर रहा है ठीक है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है ठीक है तो ऐसा नहीं होता है ठीक समझना होता है हर एक चीज को लेकर मैनी अकाउंटेंट्स मिस अंडरस्टैंड दियर ओन रोल एज कंट्रोलर ठीक है वो क्या सोचते हैं कि हमारा काम क्या है हमारा काम है कंट्रोलर का हमें कंट्रोल करना है अकाउंटेंट तो हम है ही नहीं ठीक है ऐसा बिल्कुल नहीं है द रियल रोल द रियल रोल ऑफ कंट्रोल इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड असिस्ट द मैनेजर इन अचीविंग दियर गोल एज इफिशेंटली एज पॉसिबल ठीक है अगर आपने इफिशेंटली काम नहीं किया और अकाउंटेंट को कंट्रोल करने नहीं दिया तो ऑर्गेनाइजेशन डूबने के कगार पर आ जाएगी ठीक है तो अकाउंटेंट का कंट्रोल होना चाहिए हर एक डाटा इंफॉर्मेशन पर इफेक्टिवली बार बार वर्ड आ रहा है तभी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी इफेक्टिव और इफिशेंस बन पाएगी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा पॉइंट जो है नेक्स्ट सिक्स पॉइंट विच इज सप्लाइंग इन्फॉर्मेशन टू वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या कह रहे हो आप लोग समझ गए ऑलरेडी इसको पॉइंट को पढ़ के ही कि जो इंफॉर्मेशन है वो वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट को प्रोवाइड करवा दो अब वो कौन कौन से लेवल्स होते हैं टॉप लेवल होता है मिडिल लेवल होता है लोअर लेवल होता है बिल्कुल सही है आपने बिल्कुल सही समझा यही बताना चाह रहा है यहाँ पर एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी एग्जीक्यूशन ठीक है क्या करना है आपको मैनेजमेंट को क्या करना है ये इंफॉर्मेशन देनी है जो भी रिक्वायर्ड है जिससे कि वो डिसीजन ले सके और जो भी पॉलिसी एग्जीक्यूट करनी है उस पॉलिसी का एग्जीक्यूशन कर सके ओके नेक्स्ट देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट टेक्स ब्रॉड पॉलिसी डिसीजन लेती है लिविंग डे टू डे डिसीजन टू लोअर मैनेजमेंट फॉर एग्जीक्यूशन ठीक है क्या करती है कि भाई देखो आज ये काम करना है टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो प्रोवाइड करवा देगी ठीक है, डिसीजंस दे देगी कि हमें ये, ये अचीव करना है बस आप लग जाओ काम पर सप्लाई ऑफ राइट इंफॉर्मेशन प्रॉपर टाइम इनक्रीजी एट ऑल लेवल्स बिल्कुल अगर टाइमली कुछ काम होता है ना तो पता है क्या होता है लेवल जो है इफिशियंसी का बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन जो है ना एकदम आसमान को छूने की कगार पे होती है. ठीक है हर एक काम को टाइमली जो है खत्म कर दो ठीक ओके द प्रोवाइड्स रेलिवेंट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल टू ऑर्गेनाइजेशन मैं आप लोगों को शुरू से ही बताते हुआ आ रहा हूं कि information जो है वो इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है टू अनेबल मैनेजमेंट जिससे कि बना सके मैनेजमेंट को क्या एट ऑल लेवल्स टू टेक डिसीजन डिसीजन लें बार बार यही कह रहे हैं डिसीजन लें इन बिहाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन डिसीजन इंक्लूड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्राइज फिक्सेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी प्लान रिलेटेड विद प्रोडक्ट प्रोसेस मार्केटिंग एक्सेट्रा ये डिसीजन लेने हैं आपको ठीक है सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाओगे सप्लाई कराओगे विरिष्ट लेवल तक तभी तो पता चलेगी आखिर एरर क्या आ रहे हैं चेंजेस क्या आ रहे हैं और मैनेजमेंट को क्या चेंजेस करने हैं इनवेरिएशंस जो हो रही हैं उनको आगे किस तरीके से हटाने हैं ठीक है, है? चलिए बढ़िया आगे लास्ट एंड द लीस्ट रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट फाइनली हम सारा वर्क कर चुके हैं अब हमारे पास क्या आ गया रिपोर्ट करना आ गया ठीक है रिपोर्ट कर देते हैं रिपोर्टिंग करेंगे रिपोर्टिंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग टू अचीव द टारगेट ठीक है रिपोर्ट कर देंगे टारगेट को अचीव करने के लिए रिपोर्टिंग करना बहुत जरूरी है जिससे कि मैनेजमेंट को पता लग सके कि जी ये कमी रह गई चलो पूरी करो ठीक है रिपोर्ट्स आर प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ ग्राफ में प्रेजेंट कर सकते हो आप आ गया एमसीक्यूज आ गया ठीक है ग्राफ में प्रेजेंट कर सकते हो डायग्राम्स के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हो एंड अदर स्टैटिकल टेक्निक्स जो भी आपको आती है ना वो सारे यहां पर रिप्रेजेंट कर दो एज टू मेक दैम इजिली अंडरस्टैंडेबल इससे कि मैनेजमेंट को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए कि हाँ बहुत बढ़िया काम किया है आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिपोर्ट तैयार की है ठीक है नेक्स्ट रिपोर्ट में भी मंथली भी हो सकती है क्वार्टरली भी हो सकती है हाफ ईयरली भी हो सकती है ठीक है इंटरनली ऑडिट जब करवाया जाता है ना तो ये इसी तरीके से आपकी मर्जी ऑर्गेनाइजेशन की मर्जी है इंटरनल ऑडिट अब इसी बार ऐसे ही करवाया जाता है ठीक है इंटरनल ऑडिट जो है आजकल हर एक ऑर्गेनाइजेशन करवाती है कॉन्स्टेंट रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द बिजनेस ठीक है बिजनेस को क्या करेगी कॉन्स्टेंट रिव्यू बनाए रखेगी कि हमारा बिजनेस जो है बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से चले ठीक है कोई कमी ना हो हमारे बिजनेस में और चारों तरफ घूम कर देखे तो हमारा बिजनेस ही बिजनेस दिखे ओके गाइस तो ये था आप लोगों के लिए रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन मैनेजमेंट प्रोसेस ठीक है यहाँ पर मैंने फंक्शंस भी बता दिए आप लोगों को और यहाँ पर मैनेजमेंट प्रोसेस में कौन कौन से फंक्शन हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिए ठीक प्लानिंग याद करवा दिया आप लोगों को कि हाँ प्लानिंग करते थे आप ऑर्गेनाइजिंग करते थे ठीक है और फिर क्या स्टाफिंग भी करते थे कंट्रोलिंग भी करते थे ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आ रही होंगी जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर सेकेंड लेक्चर और आज ये थर्ड लेक्चर है मैं ऐसे ही प्रोवाइड करवाते रहूँगा कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड तो रिलेटेडाइज स्टे कनेक्टेड विद मी और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा नहीं किया तो जल्दी से कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो जिससे कि नोटिफिकेशन जो है ना वो सबसे पहले पहुंच जाए आप लोग के पास और जिससे कि कम टाइम में आप कोई कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर सको ठीक है कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी चल रही है यहाँ पर ये माइंड में फिट कर लो ओके okay. तो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ स्टे हेल्दी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज ऑल द बेस्ट